हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन एक कस्टमर का आया है जो कि वीवो का Y12 हैंडसेट है। और ये एक फ़ोन जैसे कि ऑन करते ही एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम जो है आपके पास भी आता होगा, ये जैसे मैं ऑन करता हूँ एक साइड में आप देख सकते हैं एक एरर आ जाता है वीवो के अंदर, रेड स्टेट आता है। योर करप्टेड डिवाइस इस तरह से रिबूट होगा, देखो ये खुद ब खुद आ जाएगा, योर डिवाइस हैज बीन वेरिफिकेशन एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली। ये इस तरीके का जो एरर आ रहा है, चाहे वो वीवो के Y12 में आ जाओ या ओप्पो के फोन में आ जाओ या कोई भी आपके पास जो भी फोन से, अगर इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, रेड स्टेट याद रखिए, ये प्रॉब्लम का नाम है रेड स्टेट, तो आपको क्या करना होगा, मतलब जो भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, पहले फ्लैशिंग करके देखेंगे या बाकी का जो भी काम करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी फ्लैशिंग में करके देख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसका जो CLK का जंपर होता है, जैसे हम ब्रोम पोर्ट बनाते हैं, नॉर्मली ये पोर्ट बनाता नहीं है, मैं इसका ये CLK का शॉर्ट करके भी पोर्ट बनाकर फ्लैश भी कर लिया। सेम इस कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम इसका सॉल्व ऐसा नहीं हुआ है, मतलब इसका बताने का ये रीज़न है यहाँ पे सॉल्यूशन कि ये सॉफ्टवेयर से भी आपसे नहीं होगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर हम EMMC को रिमूव करेंगे। ब्लैक पेस्टेड EMMC है, अभी भी मैंने इसका EMMC रिमूव नहीं किया है, इसका ब्लैक पेस्टेड EMMC रिमूव करेंगे और इसका EMMC का हेल्थ चेक कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने EMMC की ब्रांड तो चेक कर लिया था, SK Hynix का लगा हुआ है, तो हो सकता है ये EMMC हेल्थ प्रॉब्लम में हो सकता है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके चले आते इसकी EMMC निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो मैं सबसे पहले इसका बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी EMMC को हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका देख सकते हैं शटर शील्ड इतना कट करके ऑलरेडी रखा, और यहाँ पे ये SK Hynix का EMMC है जो कि अभी पेस्टेड है, मैंने अभी इसकी रिमूव नहीं किया EMMC, अभी इसको रिमूव करेंगे और इसको हम MIPI के बॉक्स से प्रोग्रामिंग चेक कर लेंगे। आप कोई भी बॉक्स में कर सकते हैं, आप UFI से कर सकते हैं, JETAG से कर सकते हैं, जो आपके पास बॉक्स है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम हमारा बच जाएगा, इसके लिए हम इससे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे यहाँ पे बोर्ड निकालेंगे, EMMC निकाल लेंगे, बोर्ड यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरी तरीके से ब्लैक पेस्ट में है और इसके लिए हम इसको पूरे अच्छे से क्लीन करेंगे और रिमूव करके इसका EMMC बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले साइड ग्लू जो होता है उसको हम पहले कट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। इसका ब्लैक पेस्ट जो होता है वीवो का हार्ड पेस्ट ग्लू होता है, तो अच्छे से प्रॉपर से हम इसको रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग हमारा क्लीनिंग भी हो गया, बहुत अच्छे से देख सकते हैं पूरा ब्लैक पेस्टेड, और यहाँ पे हमने IC को भी क्लीनिंग करके रिवॉल्व कर लिए हैं। और अब इसको हम चेक कर लेंगे, ये SK Hynix का EMMC है जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा था रेड स्टेट का, एक बार इसकी हेल्थ वगैरह चेक कर लेंगे और इसको प्रोग्रामिंग करके इसमें लगाएंगे, फिर देखेंगे हमारा जो रेड स्टेट का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो जो फ्लैशिंग से भी नहीं हुआ था, अब इसके बाद देखेंगे कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं।
आपको पता ही होगा हेल्थ रिपेयर प्रॉब्लम जो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है चैनल पे, हमने भी बहुत सारे बना के डाले हुए, तो आप कोई भी बॉक्स रिपेयर कर सकते हैं, हेल्थ रिपेयर करना है। मैं अभी MIPS बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होना है इसकी, तो मैं सबसे पहले इसका टूल ओपन कर लेता हूँ MIPS बॉक्स का, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे IC को। MIPS बॉक्स तो यहाँ पे मैं इसका टूल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे अडाप्टर चेंज करनी है। ठीक है, तो इसका ब्लैक पेस्ट हमने EMM से हटा दिए, और ये बहुत हार्ड ब्लू पेस्ट होता है, तो इसको क्लीन करेंगे सबसे पहले। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेंगे, और EMMC को रिवॉल्व करके हम इसका आइडेंटिफिकेशन आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, तो आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टूल ओपन हो रहा है और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से इसमें लगा लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे IC को भी फिक्स कर लेंगे, यहाँ पे EMMC नोज कट पॉइंट से लगा देंगे और इसको उसके बाद इसमें फिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल ओपन हो चुका है, और EMMC है तो हम यहाँ पे EMMC को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीड एंड्रॉइड इन्फो पे टिक लगा लेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक हो जाएगा, यहाँ पे सारे पार्टीशन आ जाएंगे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो देखते हैं EMMC के अंदर हेल्थ कितनी है, क्या है, कैसे, मतलब पूरा कंडीशन फोन में ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो क्या कंडीशन से प्रॉब्लम आया है पूरा चेक करेंगे इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर पूरा इसमें है, अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर पार्टीशन है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्टीशन के साथ साथ IMEI के सारे फाइल्स अवेलेबल है। एक बार मैं हेल्थ दिखाना चाहता हूँ, एक बार इसको स्क्रोल करिए ऊपर आएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ एक में जो है 30-40 है और एक में 0-10 है। मतलब इसके अंदर नॉर्मल बता रहा तो है, लेकिन मैं फिर भी इसको SK Hynix की EMMC है तो भी मुझे इसको हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 30-40 बता रहा है, कभी आपको ये नॉर्मल दिखाता है तो इससे बहुत बार लोग परेशान हो जाते हैं कि ये नॉर्मल है और फिर भी हेल्थ प्रॉब्लम कैसे रिपेयर होगा। तो इस कंडीशन में हेल्थ प्रॉब्लम ही समझेंगे इसको, और इसको पूरा रेट करेंगे बैकअप और इसको रिपेयर करेंगे हेल्थ, उसके बाद उसका बैकअप रिस्टोर करके फिर हम इसके बोर्ड में फिक्स करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सक्लूड का डम रेट करूंगा, जो कि एक्सक्लूड का डम का मतलब होता है कस्टमर का डाटा छोड़ के सारे पार्टीशन को रीड कर लेना, मतलब इसमें आपका सॉफ्टवेयर फाइल भी आ जाएगा और IMEI के फाइल भी आ जाएंगे, सारा फाइल इसमें आ जाएगा, आपको अलग से फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक फुल डंप आ जाएगा। तो मैं वही करूंगा, अगर आप 1GB का अगर डम लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको अलग से फिर फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फुल डम रीड कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ये तीन डम को रीड कर लूंगा मैं, boot 1, boot 2 और EXT/CXT को रीड कर लूंगा मैं यहाँ से। उसके बाद डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे, हमारा ये है Vivo Y12, और यहाँ पे डम बोलकर लिख लेंगे, सेलेक्ट फोल्डर और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो तीनों भी फाइल हमारी डन हो चुकी है। अब जो बचा है हमारा एक्सक्लूड का डम, अब उसको रीड करना है, तो यहाँ से रीड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्या होता है साइज 1GB 2GB, और ये साइज होता है यहाँ पे एक्सक्लूड का नहीं आता, तो मुझे यहाँ से यूजर एरिया नीचे से लेना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे टिक लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ स्क्रोल कर लेंगे नीचे आके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर डाटा है यहाँ पर 23GB का, तो मुझे ये चीज नहीं लेना, इसके अलावा बाकी सारा पार्टीशन रीड करना है। तो इसका जो स्टार्ट एड्रेस होता है ये वाला एड्रेस, ये एड्रेस मुझे यहाँ पे लेंथ में डालना है। अगर मैं ये एड्रेस यहाँ पे लेंथ में डाल देता हूँ तो ये यूजर डाटा की फाइल को रीड नहीं करेगा, बाकी सारे फाइल को रीड करेगा। इस तरह से एक्सक्लूड का डम है। अगर आप VIVO Y से यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे ही है, ऑटो पे ही अगर आप जाएंगे यहाँ पे नीचे लिखकर आता है एक्सक्लूड डम, मतलब वो इजी वर्क है। तो आप जो बॉक्स में कर रहे हो उसमें आपका तरीका वैसा होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूजर डाटा में, और इसका जो यहाँ पे कोड है वो मैं कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर है हमारा 17F8, और उसके बाद जीरो जो है यहाँ पे 5 0 लगे, तो 1 2 3 4 5 0 लगा लेंगे, और यहाँ पे हम इसको रीड कर लेंगे।
सकती है। रीड बटन पे क्लिक करेंगे, सेम फोल्डर में हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मीटर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड जो है इसकी रीड करने की स्पीड 100 Mbps के ऊपर चला गया है। और यहाँ पे ये पूरा फाइल का रीड होगा, ये 100 तक चला जाएगा। तो स्पीड आप देख सकते हैं कितना जल्दी काम कर रहा है। अब यही काम भी मैं यहाँ पे एक मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम लगेगा 1 से 1.5 मिनट रीड करने में और राइट करने में, मिनिमम 4 मिनट के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो जाएगा। अगर आप जेटैक से या यूएफआई से कर रहे हो तो जेटैक से 15 मिनट लगेगा और यूएफआई से मिनिमम 25 मिनट लग जाएंगे। तो यही खासियत होती है हर एक बॉक्स के अंदर, मतलब MIPI अगर लोगे तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, काम अच्छा करेगा। लेकिन कुछ काम इसमें जो नहीं होते वो अदर बॉक्स में होते हैं। तो सारा काम एक बॉक्स में नहीं होता है, मिनिमम आपको 2 बॉक्स लेकर काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप यूएफआई ले लो या आप जेटैक ले लो, साथ में MIPI भी ले लो। तो ये सारा तरीका होता है यहाँ पे काम करने का। तो यहाँ पे स्पीड की वजह से हम यहाँ पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये डब हमारा फुल रेट हो चुका है, इसका मैं अगर साइज दिखाऊँ तो इसने 1.5 मिनट के अंदर आपका Y12 6 GB का एक्सक्लूडम रीड किया है इसने, मतलब सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब ये हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया, तो इसको हम पूरा इरेज कर देंगे। उसके बाद इसका हेल्थ रिपेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने इरेज कर दिए है। एक बार डिसकनेक्ट करेंगे, फिर से वापस IC को कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको हेल्थ इसकी रिपेयर करके फिर जो हमने डम रीड किए थे वापस उसको रिस्टोर कर देंगे और फिर हम बोर्ड में फिक्स करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा इरेज हो गया पार्टीशंस। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ जो है 30-40 बता रहा है। तो मैं सर्विस में आ जाता हूँ और यहाँ पे 1 क्लिक रिपेयर EMMC लाइफ टाइम को एक बार क्लिक कर लेता हूँ। इसमें 1 क्लिक करने के बाद सीधा आपका आइडेंटिफाई करेगा और हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। इसमें इस तरीके का प्रोसेस होता है और UFI के अंदर आपको सारे पार्ट बॉक्सेस होते हैं वो सारे को टिक लगाने होते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसका हो गया हमारा हेल्थ रिपेयर 0 to 10, 0 to 10, मतलब देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रहे एक बार, देख सकते हैं यहाँ पे अभी 30-40 से 0 to 10, 0 to 10 हो चुका है। अब हमारा काम जो है इसके अंदर जो डम हमने रेड किए थे वो यहाँ से हम इसको रिस्टोर कर लेंगे। तो नंबर 1 पे है यूज़र एरिया। सबसे पहले हम यूज़र एरिया की फाइल को सेलेक्ट करेंगे Y12 में आके। यहाँ पे है हमारा यूज़र एरिया, उसके बाद हमारा होगा बूट वन बैक करेंगे और ये दूसरे फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे बूट वन आ गया, बूट टू के लिए बूट टू सेलेक्ट कर लेंगे और EXT CXD के लिए EXT CXD। बस हमारे यहाँ पे चारों फाइल सेलेक्ट हो चुके हैं और नीचे राइट बटन है, सिंपल इस पर राइट पे क्लिक कर लेंगे हम। और स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वही 100 Mbps, 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। इतना कम टाइम में आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप फिक्स कर देना बोर्ड में और चेक करेंगे हम कि हेल्थ प्रॉब्लम से हमारा रेड स्टेट का जो प्रॉब्लम आ रहा था ये जो Y12 के अंदर, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगा हम यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर फ्लैश करके देख लिया था जो इसके अंदर MMC निकालने से पहले की बात है, तो सेम कंडीशन पे था, मतलब फ्लैशिंग से प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हेल्थ रिपेयर करने के बाद चेक करेंगे हम ये फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो हो गया हमारा 50% तक तो हो ही गया प्रोग्राम, सिर्फ 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे ये बॉक्स है लेना क्यों है, आपके सामने यहाँ पे प्रूफ है कि स्पीड की वजह से ही काम करता है। बाकी तो आप UFS का भी अच्छे से काम कर सकते हैं, इसमें UFS का अडाप्टर भी फ्री आता है। इसके अंदर 4-in-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे BGA 4-in-1, मतलब 4 टाइप के UFS के IC इसमें लग जाते हैं, हमारे BGA 254 और BGA 153, BGA 95 और BGA 297 जो अभी की लेटेस्ट आई है। तो ये लेटेस्ट अडाप्टर है जिसमें आपका सारा काम करेगा। UFS 3.1 तक तो सपोर्ट करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि 4.0 भी लॉन्च हो जाएगा UFS का और वो भी ये सपोर्ट करने स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अभी तक तो 3.1 तक तो कर लेता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑल डन हो चुका है। फिर से मैं IC को डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लेंगे और वेट करते हैं थोड़ा सा डिटेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे IC डिटेक्ट हो रही है हमारी, पार्टीशंस यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे भी वेट करेंगे पार्टीशन आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे पार्टीशंस आ गए, मतलब हमने कोई फ्लैशिंग नहीं किया, इसी का फुल डम रीड करके वापस इसी में रिस्टोर कर दिए।
एक बार में FRP देख लेंगे, फैक्ट्री में आ जाएंगे और टूल में आके यहाँ से एरेस पार्टीशन करते हैं FRP। तो देखते हैं बैकअप करके रिमूव FRP, FRP भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे MMC को निकालेंगे और फोन में लगाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो अभी IC को फिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फिक्स हो गई MMC। थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इसको बोर्ड में फिक्स करके। ठीक, चार्जिंग होगा शायद इसमें, एक बार देख लेते ऑन करके। तो यहाँ पे हम बोर्ड एक बार चेक कर लेंगे। MMC तो फिक्स हो गई, एक बार पावर की प्रेस करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं वीवो का फर्स्ट लोगो आगे और यहाँ पर जो आपको रेड स्टेट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। अगर अच्छे से देख सकते हैं, जूम करके देख लो, तो यहाँ पे अभी कोई एरर शो नहीं कर रहा है। देख सकते हो सेकेंड लोगो भी आ गया, मतलब हमारा प्रॉपर वन फोन ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं अब ये रेड स्टेट का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जितने भी मोबाइल आपके पास वीवो है, MI है या अदर कोई भी ब्रांड में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो रेड स्टेट अगर आप जब भी आपको दिखेगा तो आप उसको फ्लैशिंग करके मतलब नहीं होगा, आप फ्लैशिंग भी कर लो या फाइल चेंज कर लो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सेम कंडीशन में रहने वाला है। तो आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लिए कि इसके अंदर 30-40% SK Hynix का MMC लग के था, जिसका SLC 30-40% चला गया था, लेकिन फिर भी MMC नॉर्मल में बता रहा था, 90% कंज्यूम शो नहीं कर रहा था। तो भी हमें इस चीजों में भी डाउट कर लेना है कि ये MMC हेल्थ प्रॉब्लम में हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर IC निकाल के ब्लैक पेस्टेड और यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी की हमने, MIPI बॉक्स से किए पूरा टोटल, और स्पीड भी आप देख चुके हैं कि 4 मिनट के अंदर फुल डम रीड करना और राइट करना दोनों भी काम एक साथ किया है। बस निकालने में और लगाने में बस उतना ही टाइम लगेगा, बाकी बॉक्स में आप एक MMC प्रोग्रामिंग 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं, इतना ईजी वर्क है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
थोड़ा सा वेट करेंगे वेलकम स्क्रीन आने तक, तो पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको दिखा दी कि कैसे आपको क्या क्या काम करना है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो सीधा आप MMC का ब्रांड देख लेना। सबसे पहले ब्रांड SK हाइनिक्स है, सैमसंग है या कौन सी कंपनी की लग के है। SK हाइनिक्स है तो आप 99% श्योर हो जाना है कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम है। सैमसंग अगर दिख जाएगी तो 50-50% हो सकता है उसका हेल्थ प्रॉब्लम होगा या नहीं भी होगा, या रिवॉल्व में भी सॉल्व हो सकता है। तो आप सैमसंग वाली MMC में 50-50 और इसके अंदर SK हाइनिक्स दिखी तो 99% आप बोल देंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। यहाँ पर एक वीवो का नाम सेकेंड लोगो पे है और इसका वेलकम स्क्रीन आने तक वेट करेंगे। अगर मेरा वेलकम स्क्रीन आ जाता है तो फिर हमारा प्रॉपर फोन वर्क करेगा और ऑन हो जाएगा, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। तो फर्स्ट टाइम टाइमिंग लगता है ऑन होने में, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो अगर स्किप करते हैं तो प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा या फिर आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपके पास भी सेम प्रॉब्लम आएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको पूरा लाइव बताया गया है, फ़ोन ऑन पूरा फर्स्ट लोगों से लेके प्रॉब्लम से लेके ऑन होने तक। और ब्लैक पेस्टेड भी हमने निकाले थे आपके सामने ही निकाले, ऐसे भी नहीं कि ब्लैक पेस्टेड हमने ऑलरेडी चेक करके रखा था, इसी को आपके सामने ही रिमूव किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फर्स्ट लोगों पे ही सेकंड लोगों पे है ये फोन, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन अभी लाइट डाउन हो रही है, मतलब शायद आपका वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। अगर थोड़ा सा लेट होने लगा तो एक बार बैटरी रिमूव करके फिर से ऑन करिए तो थोड़ा सा जल्दी ऑन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन होने में टाइम लगता है ना। तो आप देख सकते हैं फुल यहाँ पे आ गया फन टच OS और हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन पर हमारा ऑन टच भी चल रहा है और पूरा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे, एग्री, और ऑलरेडी हम इसका FRP भी बॉक्स में निकाले, शायद यहाँ पे FRP लॉक है और बैटरी भी डाउन हो गया, एक 2% पे था, फ़ोन ऑफ हो गया। तो चार्जिंग इसकी डाउन है, चार्जिंग करना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने जो प्रॉब्लम आया था वो आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके शो कर दिया पूरा। जो यहाँ पे रेड स्टेज, याद रखिए ऑरेंज स्टेज अलग है, रेड स्टेज अलग है। ऑरेंज स्टेज का मतलब फ़ोन ओके है, मतलब उसके अंदर सिर्फ बूट लोडर अनलॉक है। ठीक है, ऑरेंज स्टेज है तो बूट लोडर अनलॉक है, ठीक है, ये वाइपिंग हो रहा है। और रेड स्टेज अगर दिख रहा है इसका मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, 100% आप ये दो एरर याद रखिए कि ऑरेंज स्टेज दिखता है तो आप उसको बूट लोडर अनलॉक समझ लेना, बस उसको रिलॉक कर देना, हो जाएगा काम। अगर रेड स्टेज दिखता है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम रिपेयर करना होगा। बस यही दो स्टेप है हमारे, दो प्रॉब्लम के। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम नहीं पता है वो उन तक ये वीडियो जाएगा तो उन लोगों को ईजी लगेगा। और तो हो सकता है हमारा वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना और लाइव बेल आइकन को क्लिक करिए। ओके, थैंक्स।